दोस्तों अभी मैंने आपको बताया 4 डिजिट तक का आपका वर्गमूल, जैसे आपका 5 डिजिट भी आता है तो ये रूल आप यहाँ पे आप फॉलो कर सकते हैं। जैसे आपका एक क्वेश्चन मान लीजिए, जैसे आपका क्वेश्चन है 1519, ठीक है, 1519, तो यहाँ पे भी आप ये देखें 2, 2, 4, 1, 5 डिजिट का यहाँ पे वर्गमूल है, तो ये भी कुछ नहीं है, वही रूल अपनाएंगे, पीछे से 2 का पेयर करेंगे दोस्तों, तो लास्ट में क्या है 9, और आपको पता है 9 किसके स्क्वायर में आता है, तो दोस्तों 33, 9 और 7, 49, यानी 3 और 7 के स्क्वायर में आपका 9 आता है, तो इसका लास्ट संख्या क्या होगा वर्गमूल का, या तो 3 होगा या 7 होगा, ठीक है। आगे का देखते हैं दोस्तों, तो आपको पता होगा कि ये जो है 151 12 और 13 के स्क्वायर के बीच में, क्योंकि 12 के स्क्वायर कितना होता है 144 और 13 के स्क्वायर कितना होता है 169, यहां पे देखिए 169, और इसी के बीच में आपका ये संख्या है 151, तो 12 गुणे 13 करेंगे दोस्तों, 12 गुणे 13 कितना हो जाता है दोस्तों 156, और आप देखिए 156 और यहां पे क्या है आपका 151 जो कि कम है नहीं, तो क्वेश्चन वाला कम है, तो इस दोनों में से कम वाला ही हम आगे लिखेंगे यहाँ पे, और आगे में हर हमेशा कम वाला ही लिखते हैं, यानी 12। तो आप देखिए दोस्तों 128 में 128 करके देखिए आपको 15129 संख्या ही आएगा, और इसका कितना हो गया वर्गमूल 123। ये था दोस्तों 4 या 5 डिजिट तक के वर्गमूल निकालने का ट्रिक, लेकिन दोस्तों अगर 6 डिजिट का यहाँ बात करेंगे तो यहाँ पे आपको स्क्वायर उतना टर्म आपको याद नहीं रहता है, तो उसके लिए आपको एक ट्रिक है, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। तो अब देखिए दोस्तों 6 डिजिट का आपका वर्गमूल, 6 डिजिट का वर्गमूल के लिए आप कौन सा रूल अपनाएंगे जो कि आपको बड़ी आसानी से यहाँ पे आप वर्गमूल निकाल सकते हैं। तो एक दोस्तों एक क्वेश्चन में ले लेता हूँ, जैसे क्वेश्चन लेते हैं 5227 29, ठीक है दोस्तों 5227 29 हम क्वेश्चन ले लेते हैं, और यहाँ पे क्या करेंगे दोस्तों, जैसे वहाँ पे पेयर करते थे आगे से, तो यहाँ पे वैसा रूल नहीं अपनाना है यहाँ पे दोस्तों, यहाँ पे क्या करना है देखिए 5227 29 को आप लिख लीजिए, और फिर क्या कीजिए दोस्तों यहाँ पे आपको आगे से पेयर करना है, कहाँ से पेयर करना है, आगे से पेयर करना है, और रिजल्टेंट को हम दोस्तों नीचे में लिखते हैं, तो यहाँ पे देखिए दोस्तों तो 52 आगे का जो पेयर है 52, तो देखिए ये किसके स्क्वायर के बीच में है, तो मतलब किसके स्क्वायर के आसपास है, इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए 2 स्क्वायर से, तो यहाँ देखिए 7 का स्क्वायर करते हैं तो कितना होता है 77, 49, 8 का करेंगे तो 64 हो जाएगा, जो कि इससे बहुत ज्यादा है, तो कम वाला ले सकते हैं हम दोस्तों, ज्यादा वाला नहीं लेंगे, तो 7 का स्क्वायर करते दोस्तों यहाँ पे क्या हो गया 7 का स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा दोस्तों 49, तो यहाँ पे जिसका स्क्वायर कर रहे हैं उसको नीचे लिखेंगे और यही आपका रिजल्टेंट देगा, यही पे आपका वर्गमूल जो आएगा इसका वो लिखेंगे, तो यहाँ पे दोस्तों इसका स्क्वायर किया 7 का तो कितना हुआ 49, तो 49 को इसमें से घटा लीजिए दोस्तों, तो कितना बचा आपका शेष 3 नहीं, और ये जहां पे आपका ये जो संख्या लिखते हैं इसका डबल स्क्वायर नहीं डबल दुगुना यहाँ पे लिखेंगे, यानी 7 आया तो इसका हम दोगुना लिखते हैं 14, और फिर आप जैसे भाग करते हैं उसी तरीका से, क्योंकि 14 से 3 में आप भाग नहीं दे सकते हैं, तो 1 डिजिट उतारेंगे यहाँ पे, तो लिख दिए 3 के बाद 2। अब देखिए अब क्या कीजिए दोस्तों 14 से 32 में भाग दीजिए 14 से, ठीक है, तो दोस्तों कितने बार में कटेगा 2 बार में, 14 दुनी 28, कितने बार में 2 बार में, 14 दुनी कितना हो गया दोस्तों 28, अब कितना बच गया शेष दोस्तों 4 बच गया, तो फिर आप देखिएगा कि 14 से इसमें भाग नहीं लगेगा, 1 डिजिट को आपको फिर लेना पड़ेगा, 2 को हम ले चुके थे, तो अब कौन सा डिजिट आ गया आपका 7 को लिख दें दोस्तों, और जिस प्रकार पहले बार आपके जैसे 7 लिखे थे उसका स्क्वायर घटाए थे, उसी प्रकार दूसरे बार हम 2 लिखे हैं, अब इसका स्क्वायर हम इसमें घटाएंगे, 2 का स्क्वायर घटाएंगे तो दोस्तों कितना बच गया, कितना बचेगा दोस्तों 47 में से 4 गया 3, 43, ठीक है। अब देखिए दोस्तों ये कितने बार में कटता है,
पूरा नहीं करना है, बस ये देख लेना है कितने बार में ये कट जाएगा। ये कटे ना कटे पूरा कंप्लीट हमको उससे कोई मतलब नहीं है। अगर आप 6 डिजिट का परिमाण पूछ रहे हैं 3 डिजिट तक निकाल लेते हैं तो वो आपका बिल्कुल आंसर सही होगा, गलत होने की कोई संभावना नहीं है। तो चौरसिया कितना हो गया दोस्तों 42। अब कटे ना कटे इससे हमको कोई मतलब नहीं है, और आगे हम इसको सॉल्व करें ना करें कोई फर्क नहीं पड़ता है। और आप यहाँ पे देख रहे हैं दोस्तों 2723 जो है आपका वर्गमूल रिजल्टेड आपका आ गया। ठीक है दोस्तों, ये ट्रिक फिर से एक बार आपको रिपीट करते हैं हम। यहाँ पे सबसे पहले क्या करते हैं, अगर 6 डिजिट का वर्गमूल रहता है तो आगे से आप दो कंपेयर करते हैं, फिर देखते हैं किसके स्क्वायर के आसपास है। तो 7 के स्क्वायर के आसपास है 52, तो 47 49 यहाँ पे 7 लिख के उसका स्क्वायर यहाँ पे घटाते हैं, फिर 3 आया था दोस्तों, फिर यहाँ 14 से 3 में भाग और इसका डबल लिखते हैं दोस्तों। यहाँ पे ये चीज आपको बताया है, फिर आप क्या करते हैं 14 से भाग देते हैं, 14 2 28 और दोस्तों यहाँ 4 से आ जाता है, फिर आपको 7 लिखना होगा क्योंकि 14 से 4 में भाग नहीं लगेगा दोस्तों। फिर जिस प्रकार से यहाँ पे आप स्क्वायर करके घटाए थे दूसरे टर्म में, उसी प्रकार यहाँ भी आपको 2 का स्क्वायर फिर से घटाना होगा। फिर आ गया 43, अब देखिए 14 दिया 42, तो आपका आंसर कितना आ गया दोस्तों 723। अब दूसरा क्वेश्चन आपको हम फिर से एक आप पॉज करके इस क्वेश्चन को आप पहले बनाने का प्रयास कीजिएगा, उसके बाद फिर नहीं बनेगा तो फिर मैं आपको यहाँ पे बता ही रहा हूँ। तो यहाँ पे दोस्तों आप पॉज कीजिए वीडियो लेक्चर को, पॉज कीजिए और इस क्वेश्चन को बनाने का प्रयास कीजिए। ठीक है दोस्तों, अब देखिए क्या होगा यहाँ पे। सबसे पहला रूल मैंने क्या बताया कि आप इसको आगे से 2 का पेयर कीजिए, 6 डिजिट के बारे में क्या कीजिए दोस्तों, आगे से 2 का पेयर कीजिए। ठीक है, पेयर कर दिए, अब देखेंगे दोस्तों किसके स्क्वायर के ये आसपास आ रहा है। तो आप देखिए यहाँ पे वही बात है, 7 का ही स्क्वायर है, नहीं यहाँ पे 49 और इसको घटाएंगे दोस्तों तो यहाँ पे देखिए क्या हो गया, 10 में से 9 गया 1, नहीं चलो घटाइए। अब इसको क्या करते हैं 7 का डबल दोगुना यानी यहाँ लिखते हैं, फिर 1 में तो भाग लगेगा नहीं दोस्तों, फिर यहाँ पे आपको 16 लिखना पड़ेगा, 1 6 उतारना पड़ेगा यहाँ पे, फिर देखिए 14 कट गया यहाँ पे, फिर आपका क्या बचेगा दोस्तों 2, और फिर आप नेक्स्ट संख्या को यहाँ पे उतारिए कितना उतरा 29, और यहाँ पे जो संख्या लिखते हैं फिर उस संख्या के स्क्वायर को यहाँ पे घटाते हैं तो कितना बच गया दोस्तों 28, और देखिए 14 दूनी फिर 28 आपका कट गया, यहाँ कंप्लीट कट गया है। कटे ना कटे उससे आपको कोई मतलब नहीं है, यहाँ पे अगर आप 3 डिजिट कर लेते हैं सॉल्व यहाँ पे आपको वही 6 डिजिट का आंसर आ जाएगा, यानी 712 कितना आ गया दोस्तों 712। इसी प्रकार से आप एक संख्या और लीजिए, खुद से अपने मन से लीजिए और इसको सॉल्व करने का प्रयास कीजिए। तो एक रूल इसमें और थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, अगर क्वेश्चन में कई बार क्या होता है कि कंप्लीट कट जाता है यही पे, तो आपको काटना नहीं है, उससे कम डिजिट से ही मल्टीप्लाई करके उसको सॉल्व करना है, वो यहाँ पे हर हमेशा आगे से इस पर जाना चाहिए, तब जाके आपका ये क्वेश्चन कहीं भी आपको किसी प्रकार का प्रॉब्लम नहीं करेगा, सारा का सारा क्वेश्चन बन जाएगा। आप इस ट्रिक का यूज कीजिए और अब मेरा जो वीडियो लेक्चर है उसको सब्सक्राइब जरूर कीजिए।